हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक और मोटिवेशनल ऑडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बनाया है पर आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो मैं अपनी पूरी सोल फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसा है कि मेरी एक फाइनली एक डील क्लोज़ हुई है। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करा है और मुझे कल रात को उसका फाइनल पेमेंट मिला। एंड फाइनल भी ऐसा है फ्रेंड्स के वो एडवांस पेमेंट मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी। मैंने 6 साल कुछ जॉब किया पर फिर मेरी शादी होने के बाद मैं कुछ टाइम बाद अपने हस्बैंड के साथ दूसरी सिटी में जाना था तो शिफ्ट हो गई और जॉब थोड़े टाइम के लिए छोड़ी थी। बट ब्रेक बढ़ता गया कोरोना की वजह से और जैसे जैसे ब्रेक बढ़ता गया मेरे उसमें गैप आता गया, मेरा कॉन्फिडेंस लो होता गया। ऊपर से हस्बैंड भी कार्मिक हैं तो चीज़ें वैसे ही ठीक नहीं चल रही थी। फिर अक्टूबर में मुझे सोल शॉक मिला और बस ऐसा लगा कि क्या बचा है लाइफ में। और नवंबर में भगवान की, यूनिवर्स की कृपा से मैम मिल गई। मतलब मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। उसके बाद मतलब एकदम से भरोसा नहीं होता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने इतने सालों से कभी सुनी ही नहीं, देखी नहीं, तो आप कैसे भरोसा कर लोगे। मुझे भी बहुत टाइम लगा, कुछ दिन कुछ हफ्ते लग गए। ऑन ऑफ एन आवर करती थी बट उसके बाद फाइनली जब मुझे डिफरेंस दिखा, मैम ने पहला सेशन रिलीज़ किया था एनर्जी क्लियरिंग का। मैंने एनर्जी क्लियरिंग शुरू किया, एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, कुछ नहीं। तीसरे हफ्ते से मुझे डिफरेंस दिखा, मेरे DM बहुत अच्छे से वापस मुझसे आगे से आके बात करने लग गए। मुझे उसी समय समझ आ गया कि मैम में कितनी पावर है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको सब पता है तो वो उसी हिसाब से हमें चीज़ें दवा के डोज की तरह जब जिसकी ज़रूरत तब उस हिसाब से उनने सारे सेशंस बना के दिए हम लोगों को। एंड मैंने उनका हर सेशन लिया और हर सेशन फॉलो करती हूँ अभी तक। मैम ने इनफैक्ट कहा है कि 3-4 महीने आपको ये करना है बट मुझे एनर्जी क्लियरिंग करते हुए ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया और मैं अभी भी करती हूँ। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि मैंने फेलियर नहीं देखा लाइफ में। ये वाला क्लाइंट फाइनल होने से पहले मैंने 3 क्लाइंट्स के साथ कोशिश करी थी काम करने की पर तीनों ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया मेरे काम का। सब कुछ मुझे फ्री में करना पड़ा उनके लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता था पर मैं कर रही थी अपना पेशेंस रख के। एंड आई थिंक यूनिवर्स ने लिए होंगे कुछ टेस्ट जो जिसमें से मैंने कुछ पास किए शायद, तो मुझे फाइनली ये गिफ्ट मिला। मैंने मैम को भी बताया, मेरी लाइफ में और भी छोटे मोटे मिरेकल्स हुए, मैंने वो भी मैम को बताया। मैम ने कहा हाँ होता है ऐसा, तो मैं शायद थोड़ा अच्छे से अपनी जर्नी कर रही हूँ तो यूनिवर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो गाइज, मैं आप सब लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप फेथ रखें और पेशेंस रखें और जो मैम बोलती है वो करते चलें। मैम की हर बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको उनका हर वीडियो आंख बंद करके सुनना चाहिए और उनकी हर बात आंख बंद करके माननी चाहिए। कुछ भी स्किप ना करें, कुछ और ना भी करें तो चलेगा, बस जो मैम बोल रही है वो कर लेंगे वो काफ़ी है, वो बहुत है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपको बता रही हूँ। मतलब मैंने कल, मुझे जब ये न्यूज़ मिली, मुझे पेमेंट मिला, मैंने अपनी फैमिली को बताया, वो खुश थे। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने DM को भी बताऊँ पर मैम ने अभी पिछली 2 चैनलिंग्स ऐसी थोड़ी नेगेटिव थी कि एनर्जी नहीं देनी है तो मैं नहीं बोल रही थी। फिर मैंने उन्हें मेडिटेशन में बताई ये गुड न्यूज़ और मैंने रात को एनर्जी क्लियरिंग सेशन भी किया था। उसके बाद सुबह, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे उठने से पहले DM का मैसेज आया हुआ था जो कि वैसे 10 दिन में कभी आता है कभी नहीं आता है। कॉल में एक आध बारी कॉल होता है नहीं होता है, मतलब महीने में एक आध बार कॉल होता है नहीं होता है, पर आज सुबह ज़रूर आया हुआ था मैसेज और वो मेरा हालचाल जानना चाहते थे। तो मुझे लगा ये साइन है तो मैंने उनसे शेयर किया और वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब ऐसा लगा जैसे बबल फेज वापस आ गया है। वो मुझे कह रहे हैं कि हाँ ज़्यादा लोग को मत बताना, नज़र लग जाती है, काला टीका लगा लेना, और बहुत खुश थे वो। मतलब और उन्होंने सामने से बोला कि मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ। तो मतलब गाइज, इतने टाइम तक इतना कुछ वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे और अभी मेरी खुशी में वो मुझसे ज़्यादा खुश हैं। तो ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्स के गिफ्ट्स हैं जो मैम की वजह से मिल रहे हैं।
तो आप समझिए मैम जरिया है, वो कनेक्शन है जो हमें यूनिवर्स और डिवाइन और एंजल से कनेक्ट करता है। गाइज मैं पहले अपने आप को, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत मुझे फील होता था, मेरे आसपास लोग भी होते थे, मुझे बहुत अलोन अलोन लगता था। आप लोग में से भी काफ़ी लोग को लगता होगा, पर मैम ने हमें एक ऐसी अलग दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, एनर्जेटिक सपोर्ट टीम जैसे वो बोलती हैं मेडिटेशन में अपने, तो अब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स सब मेरे आसपास हैं। तो जब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील करती हूँ मैं, तो मुझे वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई भी चीज़ मुझे हरा सकती है, झुका सकती है, मतलब अच्छे उसमें बता रही हूँ। तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तो आप कैसे नहीं टेस्ट क्लियर करोगे यूनिवर्स के? या कुछ नेगेटिविटी भी आएगी, आएगी वो तो आएगी, पर आप उन सबको क्लियर करोगे। अगर कोई टेस्ट फेल भी हो गए तो आप फिर से देखे क्लियर करोगे, पर वो सब सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि मैम हमें इतनी एनर्जी दे रही हैं, इतनी स्ट्रेंथ दे रही हैं। उनकी तो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनको क्या करना, आप सोचिए। वो बस अपना सोल पर्पस पूरा कर रही हैं, और हमारा तो सोल पर्पस अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है, और वो शायद सबसे पहला सोल पर्पस हमारा मेन यही है कि हमें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, हमें यूनियन में आना है, क्योंकि वही पर्पस है मेन। बाकी सब तो मैम के जैसा कभी बने ये तो एक सपना ही है, पर मेन पर्पस आप अपना मत भूलिए। मैं आप लोग को बस यही बोलना चाहूँगी गाइस, एक कदम लीजिए, 10 कदम लीजिए, बट अपने यूनियन की तरफ चलिए। जर्नी छोड़ना, जर्नी ब्रेक करना कोई सल्यूशन नहीं है, वो आपको कंप्लीट करनी है, चाहे 1 साल में करिए, चाहे 10 साल में करिए, या अगले जन्म करिए। पर जब अभी सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, मैम पूरी की पूरी सपोर्ट कर रही हैं, तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? तो गाइज मैं बस यही बोलना चाहूँगी, और मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, और वो हमेशा, उनकी दो बातें हैं, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा मतलब फेथ, सबरी मतलब पेशेंस। बस आप फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, और मैम का इनर वर्क और उनकी गाइडेंस के साथ आप आराम से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ क्लियर। कंप्लीट मैंने भी नहीं करी अपनी जर्नी, पर मुझे आज पूरा यकीन है कि मैं बहुत जल्द अपनी जर्नी भी कंप्लीट करूँगी। अगर ये कुछ महीनों पहले आप मुझसे पूछते तो शायद मैं कभी ना कह पाती, पर अब मुझे पूरा भरोसा हो चुका है, और मैं बस वही भरोसा आप लोग को भी दिलाना चाहती हूँ। और एक और बात, मैं क्यों मैम को इतना रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैम ने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करी है, उन्हें A to Z पता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। और भी चैनल्स हैं, हाँ गाइड करते हैं वो, पर फ़र्क ये है कि उन लोगों ने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं करी है, तो उनके पास जो भी नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। पर मैम के पास एक पूरा का पूरा ट्रेजर बॉक्स है, उनके पास सारे सीक्रेट्स हैं जो हमारे साथ वो शेयर भी कर देती हैं, हमें बस वो अप्लाई करना है। तो इस पे भी अगर आप डाउट करेंगे तो फिर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो गाइज हैव फेथ, हैव पेशेंस। 5-5 पोर्टल मेरे लिए भी हैवी था, नेगेटिविटी आई, तबीयत ऊपर नीचे हुई, मूड भी बहुत ख़राब, पता नहीं क्या हो रहा था, बट फाइनली जब चीज़ें सेटल हो रही हैं तो मुझे काफ़ी हैप्पी लग रहा है, काफ़ी गुड न्यूज़ मिली। एंड बस मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये सब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है जब आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, अपने हिस्से का हार्ड वर्क कर लिया हो, जो कि है इनर वर्क। एंड हैव फेथ गाइज, हैव फेथ इन यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन एंड मैम। एंड खुद पे फेथ रखिए, आपका हायर सेल्फ हमेशा आपको गाइड करने के लिए है, आपका हायर सेल्फ आपका बेस्ट वर्जन है, सब कोई आपका अच्छा चाहते हैं, बस आपको कोऑपरेट करना है बस वही बात है। तो गाइज ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, मुझे काफ़ी बड़ा हो गया, पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सब बता सकूं, आपसे शेयर कर सकूं। एंड मुझे पता है आप लोग मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, सो एडवांस में थैंक यू सो मच, पर मुझसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स, डबल ब्लेसिंग्स मैम को दीजिए, क्योंकि वो बहुत रिस्क उठा रही हैं हमारे लिए, उनकी तबीयत भी ख़राब होती है, उन पर बहुत अटैक्स होते हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
तो गाइज प्लीज़ शावर ऑल योर ब्लेसिंग्स ऑन मैम एंड हाँ थोड़ी बहुत मेरे लिए. एंड आई ऑल्सो विश ईच वन ऑफ यू ऑल द बेस्ट, गुड लक. बढ़िए से अपना एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रखिए अपने आप को, अपनी जर्नी कंप्लीट करिए एंड बहुत सारे और गुड न्यूज़ इस चैनल पे आए एंड हम लोग एक दूसरे से शेयर करते रहें. बस दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीबॉडी.